बेटा आ गई तुम। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। कोई आया था क्या घर? हाँ, तुम्हारी फूफो आई थी, गिफ्ट लाई है तुम्हारे लिए। फूफो आई थी, मुबारकबाद देने आई थी। मुबारकबाद देने आई थी या वो जख्म देखने आई थी? जो जख्म हमें दिए हैं वो भर गए या हरे हैं? पता नहीं बेटा, अब घर आए मेहमान को निकाला तो नहीं जा सकता ना। पापा, पुप्पो आपकी इसी नरमी का नजायज फायदा उठाकर हमारे साथ ज्यादती करती। आपने ये तोहफे क्यों लिया, वापस कर देते उन्हें। आप भी जानते हैं अब हम उनके ना किसी लेने में ना किसी देने में। वो जानबूझकर हमें टॉर्चर करती है। मैं अभी जाकर ये सब वापस कर रहा हूं। अनमोल बेटा, पापा के गिफ्ट मैं भी वापस कर सकता था मगर नहीं किया। वो जैसी भी है बहन है मेरी, मैं दिलाजारी नहीं कर सकता उनकी। और वो जब चाहे हमारी दिलाजारी कर सकती हैं। किसने दिया उन्हें ये हक? जो अजियतें उन्होंने हमें दी हैं, आज आपने उनके चेहरे पर उसका जरा भी मलाल या पछतावा देखा है? I'm 100% sure बाबा नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको कोई पछतावा है ही नहीं। वो जानबूझकर ये सब कुछ करती हैं। और आपको क्या लगता है कि आपकी बहन मोहब्बत और खलूस दिखाने के लिए तोहफे लेकर आई? नहीं, वो हमारा मजाक उड़ाती है। हर बार हमारा मजाक उड़ा दिया जाता है। क्यों? अनमोल, कैसी हो तुम और यहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना प्लीज, बैठो। नहीं, ये मेरी एंगेजमेंट की मिठाई है। वैसे तो पूरे खानदान में मिठाई बांट दी थी, बस तुम लोग ही रह गए थे। क्या हुआ? मुझे मेरी मंगनी की मुबारकबाद नहीं दोगे सारे? बस कर दो अनमोल, क्यों मेरी अजियत में इजाफा कर रही हो? क्यों? अजियत देना सिर्फ तुम्हारी अम्मी का काम है। जब वो मेरे लिए तोहफे लेकर मुझे मुबारकबाद देने आ सकती हैं, तो फिर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं मिठाई लेकर खुद तुम्हारे घर आऊं। गिफ्ट और मुबारकबाद? हाँ, मुझे तो लगता है पूरे खानदान में सबसे ज्यादा खुशी मेरी मंगनी की तुम्हारी माँ को ही हुई है। पुप्पो से कहना अपना दिल थाम कर रखे, क्योंकि बहुत जल्द उनकी खुशी बढ़ने वाली है। बहुत जल्द अपनी शादी का कार्ड लेकर आऊंगी। मंगनी पर बुलाया नहीं, शादी पर जरूर बुलाऊंगी। आना जरूर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, मैं ठीक ठाक। आओ ना अंदर आओ। भाभी, अरीबा कहाँ है? आगे पार्लर से? हाँ, अरीबा अपने रूम में ही है, तुम लोग उसके रूम में जा सकते हो। आप ही, हम अरीबा को देखने चलें, देखते हैं कैसी लग रही है। चलो चलते हैं। ठीक है। जल्दी आ गए तुम लोग, इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो। पहले तो इस दुपट्टे को तो सही करो, पता नहीं पार्लर वाली ने कैसे पिन कर दिया। उनका बस चलता ना तो पूरा घूंघट ही डाल देती। अरे, कोई चीज पसंद भी आती है तुम्हें किसी की? अच्छा खासा दुपट्टा लगा हुआ, उसे खराब करने में तो नहीं दियो। बस कर दो, तुम दोनों कितना बात करती हो। लाओ मुझे सेट करने दो। ध्यान से मेरे बाल ना खराब हो जाए। हाँ बाबा, नहीं होंगे बाल खराब। देखो अब थोड़ा कंफर्टेबल हुआ है। ठीक है ठीक है, आप पेन करते हैं। आप ही इसे मुतमईन नहीं कर सकती आप। तो क्या करूं, तुम्हें मेरी आदतों का पता है बुशरा।
जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो ना मैं मुतमईन नहीं होती। हाँ भाई, फियांसी भी तुमने परफेक्ट ढूंढा होगा। देखते हैं आज कैसे हैं दुल्हा भाई। हाँ, तुम सब दुल्हा भाई से मिलोगे ना तो तुम पक्का हैरान रह जाओगे। भाभी कहाँ है? उनके पास मेरी रिंग है, मैंने उन्हें कहा भी था मुझे रिंग दे दें, पता नहीं कहाँ लेके फिर रही हैं। मैं रिंग देखने जा रही हूँ। अरे तुम रुको, मैं लेकर आ जाती हूँ। नहीं, तुमसे पहले सारा रिंग लेने गई थी जो अभी तक नहीं आई। अगर तुम लोगों के आसरे पे रही ना मैं तो हो गई मैं तैयार। अरे ना जाने इस लड़की का क्या होगा, इसका तो फिर भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। मुझे तो शाहजहां भाई की फिक्र हो रही है, उनका क्या बनेगा अरीबा के साथ। क्या अरीबा के फियांसे का नाम शाहजहां है? हाँ, अरीबा खुद को क्वीन समझती थी ना, उसे फियांसे भी बादशाह के नाम का मिल रहा है, शाहजहां।